देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरें। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह सुबह एक के बाद एक तीन ट्वीट में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने लिखा, वे एक अच्छे इंसान हैं और एक महान क्रिकेटर। वे पार्टी में शामिल हो या ना हो, उनके लिए मेरा सम्मान हमेशा बना रहेगा। राजस्थान में पाकिस्तान के जासूसी और आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जैसलमेर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए एजेंट नंदलाल महाराज को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से लगती पाकिस्तान सीमा से अलग अलग जगहों से अब तक 35 किलो RDX भारत में बम ब्लास्ट के लिए पहुंचा चुका है। IB रॉ और राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें सारे डिटेल लिखे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कब का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसके खाते में पैसे डालती थी। इसके काम के बदले ISI 10 से लेकर 60-70 हजार तक देती थी। नंदलाल का पूरा परिवार पाकिस्तान में है, लेकिन पैसों के लालच में ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार हो गया। बिहार के गोपालगंज में शराब पीने के बाद तीन और लोगों की मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की कुल संख्या 17 हो गई है। इनमें PMCH में इलाज के लिए पहुंचे दो लोग शामिल हैं। इधर इस मामले में जिला प्रशासन ने मान लिया है कि 17 लोगों की मौत शराब या शराब जैसे जहरीले पेय पीने से हुई है। साथ ही नगर थाने में इंस्पेक्टर DP आलोक समेत 25 पुलिसकर्मियों को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की छापेमारी के बाद गिरफ्तार 6 लोगों सहित कुल 14 लोगों पर अवैध ढंग से शराब बनाने बेचने के आरोप में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें इन लोगों को 17 लोगों की मौत का जिम्मेवार बताया गया है। प्रशासन इस टोले पर सामूहिक जुर्माना या उससे भी बड़ी सजा पर विचार कर रहा है। अमेरिका के 72 सांसदों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से दलाई लामा के तिब्बत लौटने के अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने और चीन के जेल में सड़ रहे सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के लिए आह्वान करने का अनुरोध किया है। सांसदों ने ओबामा को एक पत्र में लिखा है, हम ये कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि पद पर रहते हुए आप अपने शेष कार्यवधि के दौरान तिब्बत के लोगों का समर्थन करने के प्रयास तेज करें। 17 अगस्त को लिखे 3 पृष्ठों वाले पत्र में कहा गया है कि तिब्बती लोग अमेरिका को अपने दोस्त की तरह देखते हैं। ये उनकी दोस्ती को नए सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रणनीतियों और उनके अनोखे संस्कृति धर्म और भाषाएं पहचान को बचाए रखकर सम्मान देने का समय है। अमेरिका के कई शहरों में कलाकारों के एक समूह ने राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की न्यूड मूर्ति लगाई, जिसे बाद में प्रशासन ने हटा लिया। द एम्पायर हेज नो बोल्स के नाम से बनाई गई ये अवैध मूर्तियां विरोध स्वरूप बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी इंडिक्लाइन नाम के कलाकारों के समूह ने ली। न्यूयॉर्क के यूनियन पार्क में लगी इस अवैध मूर्ति ने राहगीरों का ध्यान खींचा, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और मूर्ति के साथ तस्वीर लेने की होड़ मच गई। इस आदमकद मूर्ति में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह न्यूड दिखाया गया। इसमें उन्हें भारी भरकम तोंद छोटी उंगलियों के साथ प्रदर्शित किया गया। पार्क विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शहर में बिना इजाजत किसी भी मूर्ति को लगाना अवैध है, लिहाजा इसे समय रहते हटा दिया गया। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप या उनके प्रवक्ता की ओर से इस और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रियो ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बाद रोमांचित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा है कि वे देश के एकमात्र ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के सफर को खत्म करने को लेकर उत्सुक है। विश्व चैंपियनशिप की 2 बार की कांस्य पदक विजेता सिंधु ने कल 49 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की ऑल इंग्लैंड चैंपियन नोजोमी अकुहारा को 21-19, 21-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु आज शाम फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीय स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी। सिंधु ने कहा कि मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है और मैं अपनी जान लगा दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने हर बार कड़ी मेहनत की है। सभी का लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना होता है। एक और मैच बचा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है।
रियो ओलंपिक से भारत के लिए एक बेहद ही बुरी खबर आई है। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव पर डोपिंग की वजह से 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही पहलवान नरसिंह रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ब्राजील के केस की एक अदालत ने करीब 4 घंटे लंबी बहस के बाद ये फैसला सुनाया कि नरसिंह पर बैन लगा दिया गया। सीएएस ने नाडा के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके खाने या पीने में मिलावट की बात सही नहीं है। अदालत ने नरसिंह के उस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि उनके साथ साजिश हुई है, क्योंकि इसे साबित करने के लिए नरसिंह यादव के पास कोई सबूत नहीं है। इसी तर्क को देखते हुए नाडा ने उन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। रियो ओलंपिक में उन्हें कुश्ती के 74 किलो भार वर्ग के मुकाबलों में आज ही हिस्सा लेना था। अब नरसिंह को आज होने वाले पहले मैच से पहले ही ओलंपिक खेल का छोड़ना होगा। कश्मीर में एक लेक्चरर के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का आरोप है कि आर्मी के लोगों ने उसे मारा है। ये लेक्चरर उन लोगों में से हैं जिन्हें आर्मी ने बुधवार को हिरासत में लिया था। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने आर्मी के कुछ लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। वही हंगामा होने के बाद कल आर्मी की तरफ से खेद भी जताया गया है। इसके साथ ही आर्मी ने भी जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। ये मामला पुलवामा जिले की खेरू जगह का है। इसके साथ ही एक दूसरी घटना में आर्मी ने एक एम्बुलेंस पर पैलेट गन से हमला किया। उस एम्बुलेंस में एक मरीज भी था। हमले में गुलाम मोहम्मद शोफी जो बस का ड्राइवर था वह जख्मी हो गया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को लिखे जवाबी खत में पाकिस्तान से POK खाली करने की मांग की है। कश्मीर पर बातचीत के प्रस्ताव को खारिज करते हुए भारत ने प्रस्ताव रखा कि आतंकवाद पर बातचीत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में हालात उसी की वजह से खराब है। भारत ने अपनी जवाबी खत में लिखा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक और हिंसा खत्म करे और उसे फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। भारत ने साफ किया कि सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अरुण जेटली के जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अपने पाकिस्तानी समकक्ष की कश्मीर पर बातचीत की पेशकश के जवाब में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और घाटी में हिंसा और आतंकवाद को उकसाना देना बंद करने पर केंद्रित होनी चाहिए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। We'll be right back.